आर वी लाइव? क्या हम लाइव हैं बच्चों? एवरीबडी कैन हियर मी? स्टार्ट से, जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट कर 700+। यस, आई थिंक वी आर लाइव. आई थिंक यस, आई थिंक एड चलने लग गई है, तो आई थिंक वी आर लाइव. बच्चों कह रहा है सी यू इन द चैट्स की हाँ सेशन स्टार्ट हो चुका है. यू कैन सी मी, यू कैन हियर मी नाइस एंड क्लियर. एवरीवन इन द चैट सेक्शन प्लीज. यस बच्चों, वेटिंग 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 वेटिंग. यस वी आर लाइव. नाइस. चलो जो आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही अमेजिंग चैप्टर से, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर टू स्टार्ट विद अ न्यू यू नो यूनिट. एंड अभी तक हम क्लास 12th कर रहे थे, दिस इज फर्स्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड विद क्लास 11th. ठीक है, यस. तो कैसे हैं आप सब, पहले बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, कैसे हैं आप सब? क्या क्या ये जुनून सिर्फ आज की क्लास के लिए या आगे की क्लास के लिए भी है? यस बताइए. तो अगर आप में जुनून है आगे की क्लास के लिए, तो फटाफट से एक दिल बना दीजिए, क्योंकि दिस इज अ कंप्लीट कंप्लीट सेशन फॉर यू. सेशन के बाद में आपको डीपीपी मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे. ठीक है बच्चों, तो वो डीपीपी आप जरूर कर ले, जिससे कि आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर सके. ठीक है, यस. तो आज ये हम डिटेल में करने वाले हैं, सुपर डिटेल में मैं कराने वाली हूँ, एक एक शब्द में कराने वाली हूँ, एक एक एनसीईआरटी का शब्द लाइन टू लाइन. प्लस काफी अच्छा चलेगा, काफी आपको लगेगा कि हाँ इतना अच्छा कंटेंट यूट्यूब पे अभी तक हमने देखा ही नहीं है. दिस इज फर्स्ट टाइम यू आर एड्रेसिंग द बेस्टेस्ट ऑफ द कंटेंट व्हिच वी गिव ऑन आवर पेड बैचेस. ठीक है, तो पेड बैचेस का जो भी कंटेंट है, यू विल सी द सेम टाइप ऑफ कंटेंट हियर टुडे. यस, आज आपको पता लगेगा कि कितने अमेजिंगली पढ़ाया जाता है और बहुत मजा आएगा आपको. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. वैसे यहाँ पे वन शॉट लिखा हुआ है, बिल्कुल भी वन शॉट नहीं है, मैंने एडिट नहीं किया क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ. ठीक है, चलो तो सीधा स्टार्ट कर रहे हैं अपनी स्लाइड से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज आई थिंक सीधा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है और जल्दी हमें करना है. ठीक है. ओहो, मैं कहाँ उड़ गई? अरे यार, एक शगुन के बिना तो होना चाहिए ना लेक्चर. एक सेकंड बच्चों. यस, शगुन के बिना कोई लेक्चर नहीं होता. शगुन के बिना कोई लेक्चर मैम का आज तक ना हुआ है ना कभी होगा, मुझे ऐसा लगता है. यस, ये पास्ट टेंस भी है, फ्यूचर टेंस भी है, प्रेजेंट टेंस भी है, कि बिना शगुन के कुछ नहीं होता है. ठीक है, चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद हाई जोश. बहुत मजा आने वाला है. एनसीईआरटी है या नहीं आपके पास? सबसे पहले मुझे ये बताओ, एनसीईआरटी आप लोग के हाथ में है या नहीं? क्योंकि बिना एनसीईआरटी बिल्कुल मजा नहीं आने वाला है इस लेक्चर में, सच बता रही हूँ आपको. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर. सुपर हिट बनाना है हमको. ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इंसान जीता क्यों है? क्यों जीता है इंसान? क्यों कमाता है इंसान? क्योंकि उसे दो रोटी ही तो चाहिए होती है पेट भरने के लिए, है ना बच्चों? एक अमीर भी दो रोटी खाता है, शायद उसके आटे में गोल्ड मिक्स होता हो, बट हम जैसे लोग भी रोटी ही खाते हैं, बट अनाज की खाते हैं. ठीक है, तो सबको पेट भरना है, क्योंकि हमारा जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, दैट इज आर फूड विच वी ईट. तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम बात करने वाले हैं उन दो रोटी की और उन दो रोटियों से आने वाली उस ताकत की जो मुझे बरकरार रखेगी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों. सबसे पहले आज हम इस पूरे सिस्टम, आज पूरी क्लास में सिर्फ ये सिस्टम समझाने वाली हूं मैं. आज मैं इसके अलावा कुछ नहीं समझाऊंगी, क्योंकि अगर जिस बच्चे ने ये सिस्टम समझ लिया, उसके लिए चैप्टर बिल्कुल मक्खन है, क्योंकि इसी सिस्टम में मैं आपको सबको समझाने वाली हूँ जो एनसीईआरटी ने डायग्राम बनाया है. ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, चलिए खुद से देखिए. सबसे पहले हमारे पास क्या है? ये दो होंठ. ठीक है, ये दो होंठ लिपस्टिक लगाने के लिए भी है, ये दो होंठ बोलने के लिए भी है, ये दो होंठ बहुत सारे कामों के लिए भी होते हैं. ठीक है, यस. तो ये जो दो होंठ है, अगर इसके अंदर हम चले तो हमें एक माउथ कैविटी देखने को मिलती है, ओरल कैविटी देखने को मिलता है, एक माउथ देखने को मिलता है. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों लेट स्टार्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करें माउथ से. अब माउथ में भी आपको दो तरह के चेम्बर देखने को मिलेंगे. कितने तरह के चेम्बर देखने को मिलेंगे बच्चों? दो तरह के चेम्बर देखने को मिलेंगे. पहला वो चेम्बर जो दांत और इसके बीच में है, चीक्स के बीच में. किसके बीच में बेटा? देखो ऐसे करो,
ठीक है। सो एक चेम्बर माउथ के अंदर वो है जिसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। ये वो चेम्बर है जो हमारे चीक्स और हमारे टीथ के बीच में होता है। किस किस के बीच में होता है गाइस, जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में। तो माउथ की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारा वेस्टिब्यूल। क्या आता है बच्चों हमारा वेस्टिब्यूल? वेस्टिब्यूल वो एरिया है जो चीक्स और टीथ के बीच में होता है, बिटवीन चीक्स एंड टीथ, इन दोनों के बीच में होता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आते हैं। आखिर ये क्यों होता है? क्योंकि जब आप ज्यादा टेस्टी खाना खाते हैं तो आप यहीं पे भरते हैं मुंह। तो स्टोरेज ऑफ एक्स्ट्रा फूड, मान लीजिए खाना बहुत टेस्टी, आप धब 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 गब गब कर कर खा रहे हैं, तो खाना यहीं पे स्टोर होगा टेम्पररी। फिर धीरे धीरे आप उसे जुगाली करेंगे, धीरे धीरे उसका स्वाद लेंगे, धीरे धीरे उसे निगलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसका काम क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड थोड़ी देर के लिए। ठीक है, उसके बाद जो मेन रोल है, यहीं पे प्रेजेंट होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? यहीं पे प्रेजेंट होते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई सलाइवरी ग्लैंड्स क्या है, तो बच्चे कहेंगे मैम माउथ में होते हैं, तो सबको पता है। बट अगर मैं पूछूं कि सिंस आप नीट के एस्पिरेंट हो, अब बताओ कि कहाँ पे है सलाइवरी ग्लैंड, तो आप कहेंगे वेस्टिब्यूल में होते हैं। ठीक है, कहाँ पे होते हैं बच्चों? ये वेस्टिब्यूल में होते हैं। तो अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो कितने जोड़े हैं? यस, कितने जोड़े हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के, बताइए जल्दी से बच्चों। तो हमारे पास तीन जोड़े होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स के। वी हैव थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। कितने पेयर्स है बच्चों? वी हैव थ्री पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, माउथ के बारे में बात करते हैं। अब टीथ के पीछे वाले हिस्से के पास चलते हैं, टीथ के पीछे वाले हिस्से के पास। तो अगर हम टीथ के पीछे वाले हिस्से की तरफ चले तो वो एक बड़ी सी कैविटी है जिसे हम कहते हैं ओरल कैविटी। क्या कहते हैं बच्चों उसको? उसको हम कहते हैं ओरल कैविटी। ये ओरल कैविटी वो हिस्सा है विच इज बिहाइंड द टीथ। कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? एवरीवन, दिस इज प्रेजेंट बिहाइंड द टीथ। तो ये टीथ के पीछे वाला हिस्सा है जहां पे दांत भी है, जहां पे टंग भी है। यहां से तुम्हारी जबान भी चलती है कैंची की तरह, और यहां से तुम्हारे दांत भी चलते हैं आरी की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे ओरल कैविटी विच इज बिहाइंड द टीथ, यहीं पे हमारे टीथ भी और यहीं पे हमारी टंग भी है, जो कि मास्टिकेशन ऑफ फूड में काम आती है। किस में काम आती है बच्चों? मास्टिकेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे हमारे टीथ प्लस यहाँ पे हमारी टंग, और टीथ एंड टंग दोनों किस में हेल्प करते हैं? दोनों हेल्प करते हैं मास्टिकेशन ऑफ फूड में, यानी कि उसको तोड़ेंगे भी और उसको सलाइवा के साथ मिक्स भी करेंगे। तो इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को हम मास्टिकेशन कहते हैं। क्या होता है मास्टिकेशन बच्चों? मास्टिकेशन इज खाने को तोड़ना और उस खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करना। इन दोनों प्रोसेस को मिला के हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं विच इज मास्टिकेशन ऑफ फूड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये हो गया हमारा टीथ एंड टंग। अब खाना यहाँ पे क्या गोला बना लिया, अब गोले को निगलने का समय। उस निगलने की प्रोसेस को हम डेग्लूटिनेशन कहते हैं। यस, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? डेग्लूटिनेशन। क्या कहते हैं उसको? डेग्लूटिनेशन। तो डेग्लूटिनेशन क्या प्रोसेस है? डेग्लूटिनेशन वो प्रोसेस है जिससे हम खाना निगलते हैं। मान लेते तो इसे कॉमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? स्वॉलोइंग ऑफ फूड। क्या बोलेंगे उसको? स्वॉलोइंग ऑफ फूड बोलेंगे। ठीक है बच्चों, यस, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब खाना निगल रहे हैं, खाना जब निगलते हैं तो इसे एक कॉमन रास्ते से गुजरना पड़ता है, और उस कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर को क्या बोलते हैं? जल्दी से बता दे चैट बॉक्स में, तो बिल्कुल मजा आ जाएगा भाई आज। यस, व्हाट इज दैट कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर नोन एज? दैट इज कॉल्ड एज फैरिंग्स। तो फैरिंग्स एक ऐसा रास्ता है जिसे हम कहते हैं कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। तो यानी हवा भी यहीं से जाएगी, खाना भी यहीं से जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कैसे जाएगा, चलिए आइए इसको समझते हैं, क्योंकि एक बच्चा बहुत देर से पूछ रहा है मैम ग्लॉटिस क्या होता है, तो उसको समझाना तो पड़ेगा ना, अपन टीचर है। चलो आ जाओ भाई, किलर विजुअलाइजेशन टाइम। इसी के साथ सब बच्चे एक बार चैट बॉक्स में लिख दे किलर विजुअलाइजेशन टाइम। देखो बच्चों, मेरे पास दो बॉटल्स है। क्या है मेरे पास? दो बॉटल्स। दोनों ने अकेडमी किया, पैसा मत काटना भाई। ठीक है, यस, दिखा देते हैं। ठीक, ये दो बॉटल्स है और मैं ऐसे खड़ी हुई हूं। ठीक है, जैसे लाइन में खड़े होते हैं वैसे मैं खड़ी हूं। ठीक है बच्चों, यहां पे आगे की तरफ है विंड पाइप, ठीक
पीछे की तरफ है ईसोफेगस, देख लो कैसे लगा हुआ है। आगे की तरफ क्या है, वेंट्रली क्या है, वेंट्रल माने अर्थ फेसिंग, पैर छूते वक्त ऐसे झुकते हैं ना, अर्थ फेसिंग साइड इज वेंट्रल साइड, द सन फेसिंग साइड इज कॉल्ड डॉर्सल साइड। तो वेंट्रल साइड पे क्या है, वेंट्रल साइड पे है हमारा ट्रेकिया जिसे हम कहते हैं विंड पाइप, और वहीं पे डॉर्सल साइड पे क्या लगी हुई है पीछे की तरफ, यहां पे लगी हमारी ईसोफेगस, क्या लगी ईसोफेगस। इन दोनों के ऊपर एक कॉमन रास्ता है, वो कॉमन रास्ता है फैरिंग्स। इस कॉमन रास्ते को क्या बोलते हैं बच्चों, इस कॉमन रास्ते को हम बोलते हैं फैरिंग्स, ठीक है। अब हो क्या रहा है ध्यान से देखिए, अब खाना मैंने निकला, ठीक है, अब खाने के पास दो रास्ते हैं, वो यहां भी जा सकता है ट्रेकिया के पास, वो ईसोफेगस के पास भी जा सकता है। तो मैं चाहती हूं कि खाना ईसोफेगस में जाए, तो यानी कि मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, ट्रेकिया को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो जब भी मैं खाना निकलती हूं या जब भी आप खाना निकलते हैं, तो ट्रेकिया की जो ओपनिंग है ग्लॉटिस, क्या है बेटा, इस ट्रेकिया की ओपनिंग को क्या कह रहे हैं, ग्लॉटिस। तो इस ओपनिंग को एपिग्लॉटिस बंद कर देता है, ऐसे बंद हो गया। तो आप खाना मजबूरन कहां जाएगा, ईसोफेगस में। वहीं पे अगर आप डेट नाइट पे गए हैं और आप सोच रहे हैं दीदी से आप बतिया ले, खाना खाते वक्त तो काफी बार खांसी आ जाती है, और जब खांसी आ जाती है तो कई बार हमने देखा है कि पनीर का टुकड़ा दीदी के ऊपर चला जाता है। तो ऐसी चीजों से बचे, खाना निकलते हो बिल्कुल ना बोले, क्योंकि उसी टाइम पे कंफ्यूजन होगी सारी। तो बच्चों फैरिंग्स कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का, क्योंकि इसी फैरिंग्स के नीचे वेंट्रली ट्रेकिया होती है, डॉर्सली क्या होती है हमारी ईसोफेगस होती है। खाना निकलते वक्त खाने को ईसोफेगस में जाना है, तो इसलिए इसको बंद करने के लिए कौन आता है, एपिग्लॉटिस। सो ग्लॉटिस क्या है बच्चों, व्हाट इज अ ग्लॉटिस, ग्लॉटिस क्या है, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, और उसको ढकने वाला कौन है, एपिग्लॉटिस। अच्छा मेरे को हर चीज का एक्सपीरियंस है लाइफ में, है हर चीज का है, मैं बायो टीचर हूं ना, तो ऑफकोर्स आई नो कि खाना निगलते वक्त नहीं बोलना है, खाने को खाने से पहले बोलना है। That's experience ना लायको, गधेड़ो निकम्मो। चलो आ जाओ अब आगे चलते हैं बच्चों। अब जो खाना है वो फैरिंग से पहुंच चुका है ईसोफेगस, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। What do we call ईसोफेगस बच्चों, ईसोफेगस को और क्या बोलते हैं, ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं, क्योंकि खाना यहाँ पे जाएगा क्यों, पचने के लिए। ये एक लंबी सी एक नलिका है, एक लंबी सी नाल है, या एक लंबी सी पाइप है जो 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है ये, 25 सेंटीमीटर लंबी ये होती है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये किसको काटती हुई जाती है, ये डायफ्राम को काटती हुई जाती है, किसको काटती हुई जाती है, डायफ्राम को। तो डायफ्राम एक ऐसी मसल है जो लंग्स के नीचे होता है, जिससे हम अपना ब्रीदिंग कर पाते हैं। अब इसको काटते हुए जा रही है, तो जिस पॉइंट से ये उसको छेदती हुई जाती है, उस पॉइंट को हियाटस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उस पॉइंट को, उस पॉइंट को हम हियाटस कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल दैट पॉइंट, वी कॉल दैट पॉइंट एज हियाटस। तो हियाटस से चीरती हुई डायफ्राम को निकलती है, एंड दैट इज आर ईसोफेगस, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने एक बात जरूर सुनी होगी कि दिल का रास्ता खाने से होता है ना, पेट से होता है, दिल का रास्ता पेट से होता है। आपने ये बात जरूर सुनी होगी, ठीक है, लड़कों को पता नहीं, लड़कियों को तो जरूर सुनाई जाती है कि ओह पति को इम्प्रेस करना है अच्छा खाना बनाना सीख बेटा ठीक है भाई, आपने शायद सुना हो ऐसी बात, ठीक है। आज मैं आपको बताती हूँ साइंटिफिक वे, कोई भी हमारे बुजुर्ग बोलते हैं तो यार उसको समझाना मेरा फर्ज है ना, तो आओ मैं तुम्हें समझाती हूँ कैसे। देखो ये हमारा पेट है, स्टमक, ठीक है, ये जो स्टमक है ये दिल के पास होता है, कहाँ होता है ये, यहाँ पे दिल होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे दिल है, ये हमारा हार्ट है, ये स्टमक दिल के पास होता है, ठीक है। और ईसोफेगस क्या है, खाने की पाइप है ना, यही बताया ना हमने, ईसोफेगस खाने की पाइप है, यही बताया हमने। अब देखो हो क्या रहा है, अब ये ईसोफेगस
ओपन कर रही है पेट में, पेट के किस हिस्से में, कार्डियक हिस्से में। तो समझो दिल का रास्ता है ना, जो स्टमक है उसका कार्डियक एक हिस्सा है और उसी हिस्से में खुल रही हमारी फूड पाइप। तो सही बात हो गई ना, दिल का रास्ता कहां से है, पेट से, ठीक है। तो यानी कि ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है बच्चों कि स्टमक के चार हिस्से होते हैं। कितने होते हैं, चार हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा है उसका नाम होता है फंडस, दूसरे हिस्से का नाम है कार्डियक, तीसरे हिस्से का नाम है बॉडी और चौथे हिस्से का नाम है पाइलोरस। तो ये जो कार्डियक हिस्सा है स्टमक का, वहीं पे खुलती है ईसोफेगस। तो आज के बाद समझ में आ गया ना, साइंटिफिक रीजन समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में भाई। यस, तो आज से सबके सब अच्छा खाना बनाएंगे, क्योंकि दिल का रास्ता कहां से होता है, खाने से, ठीक है बच्चों। तो यहां पे आप देखो बेटा, यहां पे मैम ने एक पिंक कलर से एक स्ट्रक्चर बनाया, अगर आप ध्यान से देखें, मैम ने यहाँ पे एक पिंक कलर से स्ट्रक्चर बनाया है, ये वाला देखिए, ये वाला दिख रहा है सबको, ये एक ऐसा गेट है जो कहता है कि अगर तू उस तरफ चला गया तो चला गया, वापस मत आइयो। यानी कि इस गेट का नाम है स्फिंक्टर। क्या नाम है इस गेट का, इस गेट का नाम है स्फिंक्टर। और ये जो स्फिंक्टर है ये किस चीज से बना होता है, ये बना होता है स्मूथ मसल से, ठीक है। यस, किस से बना होता है, ये स्मूथ मसल से बना होता है। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट है, जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो प्रेजेंट है स्फिंक्टर, इसका नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, या इसका दूसरा नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। क्या क्या नाम है बच्चों इसके, एवरीवन इन द चैट सेक्शन। एक नाम है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, या इसका दूसरा नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। क्या नाम है इसका, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। तो ये दो नाम है स्फिंक्टर के। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे मैम फिर उल्टी क्यों आती है, उल्टी क्यों आती है ना, अगर खाना एक ही तरफ जा रहा है तो फिर उल्टी क्यों आ रही है। उल्टी इसलिए आती है ना बेटा, जब आप बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत एसिडिटी बन जाती है, तो ऐसा उबाल उठता है पेट में, अब वो उबाल इतना ज्यादा होने लगता है कि वो ऊपर आने लगता है, कहते ना है गैस बन रही है इनो ले लो। यस, तो वो उबाल बनने लगता है। अब जब वो उबाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वॉमिट आ जाती है, और वो निकालना भी जरूरी है, वरना पूरी रात सो नहीं पाते हम लोग, ठीक है। ये होता है बच्चों। अब आ जाओ, अब जो खाना है, अब जो फूड है वो कहां पे आएगा, स्टमक में आएगा। कहां पे आएगा बच्चों फूड, नाउ फूड विल कम टू द स्टमक पार्ट। तो ये आ गया स्टमक में हमारा फूड। अब स्टमक के बाद कहां जाएगा, चलिए जल्दी बताइए। अब स्टमक के बाद इट विल गो इनटू द लॉन्गेस्ट एलिमेंट्री डक्ट व्हिच इज कॉल्ड अ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहां पे हमारा स्टमक है और स्टमक ओपन कर रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन के सी शेप्ड स्ट्रक्चर में। किसमें, सी शेप्ड स्ट्रक्चर में, और उस सी शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम है ड्यूडेनम। इन दोनों के बीच में भी स्फिंक्टर प्रेजेंट है गाइस, इन दोनों के बीच में भी स्फिंक्टर प्रेजेंट है। और इस स्फिंक्टर का नाम क्या है, इस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम है बच्चों उसका, पाइलोरिक स्फिंक्टर नाम है। तो जो पेट में खाना है वो इंटेस्टाइन में जाएगा हमेशा, कभी इंटेस्टाइन का खाना पेट में नहीं जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब जो खाना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे पहले जाएगा ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम से जाएगा जेजुनम में, जेजुनम से कहां जाएगा, सबसे लॉन्गेस्ट हिस्से में जिसका नाम है ईलियम, और ईलियम के बाद अब मल बचेगा। मल समझते हो, गंदगी, अनडाइजेस्टेड फूड। अब ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है जाएगा सीकम में, बट सीकम और ईलियम के बीच में भी एक वाल्व प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बच्चों, एक वाल्व प्रेजेंट है, और इस वाल्व का नाम है इलियोसीकल वाल्व। क्या नाम है बच्चों इसका, इलियोसीकल वाल्व। बच्चे पूछेंगे मैम वाल्व और स्फिंक्टर में डिफरेंस क्या है, आजकल के बच्चे कुछ नहीं पूछते, आजकल के टीचर ही पूछते हैं, ठीक है। यस, और टीचर ही जवाब देते हैं। यस, तो वाल्व और स्फिंक्टर के बीच में डिफरेंस क्या है, वाल्व यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करता है, स्फिंक्टर बाय डायरेक्शनल कर सकता है, तभी उल्टी आती है,
अब गंदगी वापस सिस्टम में कभी नहीं जाएगी। दिस इज अ भगवान ने कहा कि देखो दिमाग की गंदगी तो है ही लोगों के पास, इसके अलावा और गंदगी इनके अंदर नहीं रहनी चाहिए, वरना हम क्या करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारी गंदगी को हम एक साइड ही रखेंगे, वापस नहीं आने देंगे, क्योंकि दिमाग की गंदगी से तुम्हें फुर्सत नहीं है, बाकी का क्या करोगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे इलियोसिकल वाल्व है, एंड वाल्व ऑलवेज अलाउ यूनिडायरेक्शनल फ्लो, इट ऑलवेज अलाउ यूनिडायरेक्शनल फ्लो, कभी बाय डायरेक्शनल नहीं हो जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यस, अब यहाँ पे सीकम के पास एक छोटा उंगली नुमा ऑर्गन है, क्या है, छोटा उंगली नुमा ऑर्गन है, उसको हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो हमारे पूर्वजों में बहुत काम करता था बट हम में अब वेस्टिजियल हो चुका है, ठीक है। यस बेटा, शॉर्ट नोट्स की वीडियो मैं बनाऊंगी, मैंने बना दी है, आपकी अपलोड हो जाएगी, मैंने टीम को दे दी है, ठीक है बेटा। आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करती हूँ, मैं सारा काम कर रही हूँ, ये मेरी आज की तीसरी क्लास है। यस, मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ और अभी भी मन लगा के पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो, बना के दे दी है, वो अपलोड कर देगी टीम ना, छुट्टी पे है, मंडे को वापस आएंगे इसीलिए, ठीक है। अब मैं पढ़ाऊं, चलो आगे चलते मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, एक उंगली नुमा ऑर्गन का नाम क्या था जल्दी बता दो चैट बॉक्स में, उस उंगली नुमा ऑर्गन का नाम था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, क्या नाम था, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये हमारे एंसेस्टर्स में काम करता था, हमें नहीं करता है, हमें वेस्टिजियल है, तो इसको हटा भी देंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा जिंदगी में, ठीक है। यस, इसको हटा भी देंगे तो ज्यादा नुकसान नहीं है। अब यहां से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, एक सेकेंड, ये मैं गुड़ खा रही हूं, कुछ और ना समझे, अपने गले को सूद रखने के लिए, ठीक है। तो अब यहां पे जो वेस्ट है सीकम से जाएगा ऊपर वाले कोलोन में, जिसे हम कहेंगे असेंडिंग कोलोन, फिर यहां जाएगा डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, फिर नीचे आएगा डिसेंडिंग कोलोन, फिर फूले हिस्से में जाएगा सिग्मोइड कोलोन। अब ना कई बार मेरे से बच्चे पूछते हैं, अरे मैम पॉटी बंद तो गई थी, फटाफट निकाल देते, है ना, फटाफट निकाल देते। चलिए इसमें मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। कई बार आपने सुना होगा कि आपकी मम्मी कहती है कि बेटा वो जो पुराने कपड़े हैं वो निकाल दो, है ना, कई बार ऐसा होता है, वैसे कम ही होता है, ठीक है, पुराने कपड़े निकाल दे, पोचा बनाना है। यस, तो हम पुराने कपड़े निकालते हैं, फिर हमने तो निकाल दिए, फिर मम्मी की स्क्रीनिंग होती है, मम्मी कहते हाय लो बेटा 2 महीने पहले तो खरीदा था तूने दीदी की शादी पे। यस, अब मम्मी एक एक कपड़े वापस रखना शुरू, फिर ये तो हो गए एक वो कपड़े जो वापस रखे जाएंगे, फिर अरे वो चाची की बेटी को दे दियो, वो ऐसी सी है, ठीक है, फिर उसको दे दिया, ठीक है, फिर तीसरा लेवल आएगा, अरे उसको दे, आएगी ना कल सुबह, उसको दे देंगे, ठीक है। यस, तो ये तीसरा लेवल हो गया। चौथा लेवल, ये किसी काम करने, इसके पोचे बना लेते हैं, डस्टिंग, अभी दिवाली की सफाइयां करेंगे, ठीक है, डस्टिंग करनी है ना, ये कॉटन है, सूती कपड़ा है, इसे बहुत अच्छा साफ होता है बेटा। यस, उसके बाद लास्ट है ये, इसका तो आप कुछ नहीं हो सकता, इसको तो फेंक ही देते हैं। यस, इसको तो फेंक ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्यों बता रही हूँ स्टोरी, क्योंकि हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट है बट उसमें भी पानी बचा है, उसमें भी मिनरल्स बचे हैं, उसमें भी बहुत सारी चीजें जो वापस एब्जॉर्ब हो सकती है, विटामिंस। तो इसलिए बॉडी कहती है कि भाई फेंकना तो है ही, बट जाने से पहले सब छीन ले, जाने से पहले सारा एब्जॉर्ब कर ले। इसलिए तो बेसिकली इंटेस्टाइन जस्ट एक्ट लाइक आर मम्मीज, ठीक है। यस बच्चों, तो यहाँ पे सारा का सारा विटामिन, सारा का सारा मिनरल, सारा का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया गया है। अब फाइनली दिस विल गोइंग टू रेक्टम, रेक्टम रात भर में भरेगा और सुबह, ठीक है, यस, सुबह एक आवाज आएगी अंदर से, भाग भाग भाग, ठीक है, आगे मैं बोल नहीं सकती, मेरा प्राइवेट कर देते सेशन। फिर उसके बाद भागेंगे क्योंकि अंदर से आवाज आई है, फिर अपनी भी मर्जी होगी, एक अंदर की आवाज, एक अपनी मर्जी, जब दोनों मिल बैठेंगे यार तो बाजीगर, ओ बाजीगर, मैं बाजीगर, ठीक है। यस, तो यहाँ पे रेक्टम इज टेम्पररी स्टोरेज, यहाँ पे भी स्टोरेज है टेम्पररी, ज्यादा टाइम तक स्टोर करोगे, बॉडी की बात नहीं सुनोगे तो कैडी वाली आएगी फिर, ठीक है बच्चों। तो इसे बॉडी की आवाज सुनो, किसी भी तरीके से बंदोबस्त करो और कराओ,
वरना कैडी हो जाएगी क्योंकि पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो कैडी आएगी बिल्कुल। ठीक है, अब आते हैं एनएस पे। एनएस के पास भी दो स्फिंक्टर है। अब आप कहेंगे मैम वैल्व नहीं है, अब मैं कैसे समझाऊं ये बात? कहेंगे मैम ठीक ये स्फिंक्टर है, वैल्व नहीं है। यस कई बार ठीक है, इसके बाद दो स्फिंक्टर होते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। दो स्फिंक्टर है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल वाला जो है वो इनवॉलेंट्री है, यानी कि वो बॉडी की मर्जी से काम करता है, ठीक है, और जो एक्सटर्नल वाला है वो वॉलेंट्री होता है, वो हमारी मर्जी से काम करता है। हमारी भी मर्जी होनी चाहिए भाई बाहर निकालने के लिए, ठीक है। यस, तो ये स्फिंक्टर है, वैल्व नहीं है। ऐसे नहीं कि एक बार बाहर आ गई तो आ गई, नहीं, कई बार वापस खींच जाती है बॉडी में, ऊपर वैक्यूम बनता है, बॉडी वापस खींच लेते पुट, फिर वापस से तुम धक्का लगाते ठीक है बॉडी, फिर तो ये एक जंग छिड़ रही होती है। तो इसलिए स्फिंक्टर है, ये वाल्व नहीं है। काफी बच्चे मेरे से पूछते हैं कि मैम यहाँ वाल्व क्यों नहीं है, इससे मैं आपको ये बात समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एक तरह से एलिमेंट्री सिस्टम, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, अभी हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है जो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस मैं डिप पे भी दे दू तने पहले है मैम, पॉटी से स्मेल क्यों आती है? जो खाएगा वही तो निकालेगा, आएगी नहीं इतनी देर से, बॉडी के अंदर कचरा भरा पड़ा है, स्मेल नहीं आएगी। हाँ चलो अब ढंग से नोट्स बनाना शुरू करो, नालायको चैप्टर की हेडिंग लिखेंगे सर। ओवरव्यू सबको क्लियर है तो फटाफट से एक लाइक लगा दो, जितने बच्चे उतने लाइक्स होने चाहिए। अब हम चैप्टर के नोट शुरू कर रहे हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा अनअकैडमी नी टॉपर्स के, ठीक है। यस मैम पाद कैसे निकलते हैं? तुम सच बताना, इतना फ्रेंक्स में तुम किसी और किसी के भी सेशन में जाके ऐसे सवाल पूछते हो? यस यस बताना जरा। सारी बदतमीजी मेरे ही सेशन में होगी, ये सब आके मुझे ही क्यों मिलता है हमेशा यूट्यूब पे। जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन शुरू कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज डाइजेशन? लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन एक ऐसी क्रिया है जिसमें हम बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे हैं, जिससे कि हम उन्हें एब्जॉर्ब कर सके अपने ब्लड में। क्या बोला मैम ने? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे हैं, जिससे कि हम उसे एब्जॉर्ब करा सके अपने ब्लड में। जब वो एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, तभी हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। यस कह रहा कि बात की आवाज कैसे कंट्रोल होती है, मैं तो चैट से नहीं देख रही भाई, इतनी गंदी गंदी रील्स बनाओगे तुम मेरी। सो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज डिफाइंड एज ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू smaller molecules for absorption in blood, ठीक है बच्चों। अब ये जो प्रोसेस है बड़े से छोटे को तोड़ने की, ये प्रोसेस हमारी बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है बच्चों? ये प्रोसेस हमारी बायोकेमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। क्यों है ये बायोकेमिकल? देखो मैकेनिकल की स्पेलिंग देख लो एक बार। यस मैकेनिकल, बायोकेमिकल क्यों है? क्योंकि यहां पे यूज हो रहे हैं बायो कैटलिस्ट, ठीक है। यस क्या यूज हो रहे हैं? बायो कैटलिस्ट। ये बायो कैटलिस्ट कुछ और नहीं बल्कि एंजाइम्स ही है, ठीक है ना। व्हाई द प्रोसेस इज कॉल्ड बायोकेमिकल गाइस? आई वांट आंसर्स इन द चैट बॉक्स। यस बायोकेमिकल क्यों है ये प्रोसेस? क्योंकि यहां पे हम यूज कर रहे हैं बायो कैटलिस्ट,
क्या यूज कर रहे हैं? बायो कैटलिस्ट। ये बायो कैटलिस्ट कुछ और नहीं बल्कि एंजाइम्स है जो प्रोसेस की स्पीड को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? जो प्रोसेस की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है मैकेनिकल है। क्यों मैकेनिकल है? क्योंकि शरीर में चक्की चल रही है। चक्की कैसे चल रही है? मसल्स के रूप में। मसल से आवाज आती है भाई, प्रॉपर आवाज आती है पेट में से जब खाना नीचे जाता है, ठीक है। तो ये जो मैकेनिकल प्रोसेस है, व्हाई इट इज कॉल्ड मैकेनिकल प्रोसेस? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ मसल्स। तो यहाँ पे यूज हो रही है मसल्स। और ये जो मसल्स है दे आर रिक्वायर्ड फॉर द चर्निंग। किसके लिए यूज होता है? चर्निंग के लिए। चर्निंग का मतलब है मिक्सिंग ऑफ फूड एंजाइम्स एंड द जूसेस ऑफ द ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो सिस्टम के अंदर दो चीजें हैं मेरे बच्चों। सिस्टम के अंदर कितनी चीजें? दो चीजें हैं, ठीक है। यस, पहली चीज क्या है? यस, पहली चीज कौन सी है? एनीबॉडी? एलिमेंट्री कैनाल। कौन सी है पहली चीज इस सिस्टम में? एलिमेंट्री केनाल, यानी कि जो हमारा गट है, जो शुरू हो रहा है माउथ से, खत्म हो रहा है एनस पे, ठीक है। और दूसरे हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। दूसरे कौन से हमारे ग्लैंड्स? ग्लैंड्स लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स लाइक लिवर, ग्लैंड्स लाइक पैनक्रियास, जो डाइजेशन की प्रोसेस को मुकम्मल करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आ रहे हैं। पहली चीज, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट बिग हेडिंग ऑफ टूडे, द एलिमेंट्री केनाल। मेरा नोट सुंदर सुंदर बना रहे, बिल्कुल बढ़िया से, मजा आना चाहिए। एलिमेंट्री केनाल, आई एलिमेंट्री केनाल पे आते हैं बच्चों। नाउ एलिमेंट्री केनाल, सबसे पहले हमारा जो एलिमेंट्री केनाल है वो ओपन है या क्लोज है, कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? आधे बच्चों को पता नहीं होगा ये क्या टर्म्स है। मैं आपको बता दूं बच्चों, इंसानों का जो एलिमेंट्री केनाल है वो कंप्लीट टाइप का है, क्योंकि हमारे पास दो ओपनिंग्स होती है। कितनी ओपनिंग्स होती है? टू ओपनिंग्स होती है। एक जो ओपनिंग है जो एंटीरियर ओपनिंग है, आगे वाली जो ओपनिंग है उसे हम माउथ कहते हैं, और माउथ से होता है हमेशा इंजेशन। माउथ से हमेशा क्या होता है? इंजेशन, यानी कि यहां से खाना निगला जाता है। बट वहीं पर एक ऐसा छिद्र भी है हमारे शरीर का जहां से मल को बाहर निकाला जाता है। उस छिद्र को, उस छेद को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? उस छेद को हम कहते हैं एनस। एनस वो छिद्र है जहां से मल को बाहर निकाला जा रहा है, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? हम कहते हैं इजेशन या डिफिकेशन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को दूसरे नाम से? डिफिकेशन, यानी कि फीकल मैटर को बाहर निकाल देना, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफिकेशन, ठीक है। तो हमारा जो है कंप्लीट है। दूसरी चीज, हमारे जो सिस्टम है उसमें जो डाइजेशन है वो सेल के बाहर होता है या सेल के अंदर होता है मेरे बच्चों? जल्दी बताइए, जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो सेल के अंदर हो रहा है या सेल के बाहर हो रहा है? कहां पे हो रहा है? जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। तो हमारे अंदर जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है कि एंजाइम जो है सेल से बाहर निकलता है और बाहर डाइजेशन होता है। कितने सारे बच्चों को पता ही नहीं है, यही तो मैं कहती हूँ बेसिक्स। जिसका बेसिक स्ट्रांग है ना, उसके 330 से कम नंबर आएंगे ही नहीं बायो में। ऑलवेज वर्क ऑन बेसिक्स, यस, ठीक है। तो यहां पे द डाइजेशन अकर्स आउटसाइड द सेल। कहां हो रहा है? आउटसाइड द सेल। समझ में लगा? यस। चलो अब आगे चलते हैं। अब आते हैं सबसे पहले पार्ट पे एलिमेंट्री केनाल के। चलो भाई, सबसे पहला पार्ट कौन सा है जो हम पढ़ेंगे? माउथ। कौन सा है? माउथ। माउथ, ठीक है, यस। माउथ में कितने चेंबर्स मैम ने बताई थी? कितनी कैविटीज मैम ने बताई थी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अभी हमने किया। जो बच्चा सबसे पहले सही आंसर देगा वो फेवरेट आज की क्लास का। यस, माउथ। होमवर्क मिलेगा हर क्लास में, पता है ना आपको? एक चीज पता है ना बच्चों आपको, मैं हर क्लास में होमवर्क देती हूँ, और कमेंट सेक्शन में आपने वो होमवर्क करना होता है, और नेक्स्ट क्लास में उस बच्चे को शाउट आउट मिलता है। आई होप यू नो दिस रूटीन, ठीक है।
तो माउथ पे आते हैं, माउथ जो है उसके पास दो चेम्बर थे, ठीक है। पहला कौन सा था? वेस्टिब्यूल। पहला कौन सा था बच्चों? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल वो एरिया था विच इज प्रेजेंट बिटवीन चीक्स एंड, चीक्स एंड प्रेजेंट बिटवीन चीक्स एंड टीथ, प्रेजेंट बिटवीन चीक्स एंड टीथ, इनके बीच में प्रेजेंट था, ठीक है। ये वही एरिया जहां पे कौन से ग्लैंड प्रेजेंट थे? कम ऑन गाइस, कौन से ग्लैंड प्रेजेंट थे? यहां प्रेजेंट थे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट थे? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट। कितने थे? वन पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर। कितने प्रेजेंट थे? थ्री पेयर। कितने प्रेजेंट थे? तीन पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स यहां पे प्रेजेंट थे, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, ओरल कैविटी प्रॉपर। ओरल कैविटी प्रॉपर, ये क्या था? दिस इज द एरिया इन फ्रंट ऑफ टीथ और बिहाइंड द टीथ, कहां पे था? यस, दिस इज द एरिया प्रेजेंट बिहाइंड द टीथ। कहां था? प्रेजेंट बिहाइंड द टीथ, टीथ के पीछे प्रेजेंट था, ठीक है। और यहां पे अब मैं आपको एक चीज बताने वाली हूं जिसका नाम है तालू। हिंदी में उसे तालू कहते हैं, कोई अंग्रेजी में बता सकता है क्या होता है तालू? यस, हाँ, एक होता है कोमल तालू, एक होता है कठोर तालू। पैलेट, तालू, अरे जीभ को कहते हैं टंग, नालायक तालू को थोड़ी कहते हैं। नहीं देखो, अंग्रेज सारे पैदा हो रहे हैं इस देश में, नालायक कहीं के। यहां पे हम बात करेंगे पैलेट की। किसकी बात करेंगे? पैलेट। पैलेट क्या होता है और कितने तरह के होता है? ये दो तरह का पैलेट होता है, एक होता है सॉफ्ट पैलेट और एक होता है हार्ड पैलेट, ठीक है। चले आइए, अब जरूरत है मुझे तुम्हारी और तुम्हारी उंगली की। ये देखो, टच इट, हार्ड है, इज इट हार्ड? सिंस ये हार्ड है, इट्स अ हार्ड पैलेट, ठीक है। अब देखो पीछे लगा, बहुत पीछे की तरह, ये तो सॉफ्ट है, स्पॉन्जी है, इट्स अ सॉफ्ट पैलेट, सो सिंपल। तो हार्ड पैलेट हार्ड क्यों है? क्योंकि इसके पास पैलेंटाइन बोन है जो इसको हार्ड बना रही है। सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों है? क्योंकि उसके पास पैलेंटाइन बोन ही नहीं है, इसलिए वो सॉफ्ट है बच्चों, इसलिए वो क्या है? सॉफ्ट है, ठीक है। यस, गंदे हाथ, ओहो, प्रज्ञा क्या बात है, प्रज्ञा दीदी तो सैनिटाइजर लेके बैठेंगी अभी, और क्या, सैनिटाइजर से साफ करके करेंगी वो, कोई नहीं, बड़े लोग। यस बच्चों, चलो अब ये सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों है? बिकॉज इट इज विदाउट विदाउट बोन। जबकि हार्ड पैलेट हार्ड क्यों है? बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय अ पैलेंटाइन बोन, ठीक है। यस, इट इज सपोर्टेड बाय अ पैलेंटाइन बोन। सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के पास कुछ इस तरीके से हैंगिंग स्ट्रक्चर है। क्या है सॉफ्ट पैलेट? अपना चलो मुंह खोलो फटाफट से, ऐसे एक यू शेप का हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखेगा, यू शेप का हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखेगा पीछे की तरफ। अब मैं दिखाने वाली हूं, दिखी मेरा काला काला हो रहा है। यस, तो वो जो यू शेप का पीछे की तरफ हैंगिंग स्ट्रक्चर है, वो यू शेप का, दैट इज कॉल्ड यूवुला। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं युवला। क्या कहते हैं उसको? युवला। ये जो युवला है ये क्या करता है? देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग काम करता है ये। देखो, सबसे पहले देखो, ये नोज के बाहर वाले छिद्र है, ये नोज के अंदर वाले छिद्र इस तरफ होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? जब हम खाना निगलते हैं ना, सुन रहे हैं, जब हम खाना निगलते हैं, मान लीजिए कि जलेबी निगल रही है, तो उस टाइम पे ये युवला जो लटका हुआ है ये ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसे, और ये हमारे ऊपर वाले जो नोज के ओपनिंग्स हैं, इंटरनल नोज ओपनिंग्स को कवर कर लेगा, ठीक है, ऐसे कवर कर लेगा ऊपर जाके, जिससे कि निगला हुआ खाना नाक के जरिए बाहर ना आ सके। समझ रहे बच्चों? यस, सोचो आप डेट पे गए हैं, ओह डेट पे जाने के लिए तो चलो, सोचो आप शादी में गए हैं, ठीक है, डेट छोड़ देते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू गाइस, ठीक है, माइंड मत करना, ठीक है। तो बच्चों मानो शादी में गए हैं, एकदम से भर भर के खा ले रहे हैं,
तो उस टाइम पे जुबला अगर काम नहीं किया तो खाना निकलते वक्त नोज से भी बाहर आ जाएगा, तो डरना मत, समझ जाना कि जुबला काम नहीं कर रहा अच्छे से, ठीक है। सो जुबला क्या कर रहा है, जुबला स्वॉलोइंग, जब हम खाना स्वॉलो कर रहे हैं, ठीक है, यस स्वॉलोइंग, जब हम खाना स्वॉलो कर रहे हैं, स्वॉलोइंग ऑफ फूड के टाइम पे इट कवर्स इंटरनल नॉस्ट्रल्स को ये कवर कर रहा है, ठीक है। वहीं पे हार्ट पैलेट पे, यहां पे अगर आप देखेंगे स्किन के फोल्ड्स हैं, क्या है, स्किन के फोल्ड्स, इन स्किन के फोल्ड्स को हम कहते हैं रूगी, क्या कहते हैं बच्चों, रूगी, ये रूगे, कुछ भी बोलो रूगे, ठीक है। अब कई बार आपने देखा जब आप पाइनएप्पल खाते तो ऐसा लगता है कटा कटा सा हो गया, यस, कई बार आपने देखा है कि ऊपर से कटा कटा हो गया, ऐसा मुंह कटा कटा सा हो जाता है जब आप पाइनएप्पल खाते हैं, ऐसा आपके साथ हुआ है कि मेरे बच्चों, है ना, क्यों कटा कटा हो जाता है, क्योंकि पाइनएप्पल के पास एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और हमारा जो स्किन है वो प्रोटीन से बना है ऊपर का, तो वो उसके ऊपर जाके उसे हल्का सा डाइजेस्ट कर जाता है, थोड़ा एसिडिक कर देता है, तो हमें ऐसा लगता है हाय मुंह कटा कटा सा हो गया, ठीक है, तो ये है। और कई बार हम गर्म गर्म कॉफी पी लेते हैं, मान लो कि प्रियांशी है, प्रियांशी सचिन को देख रही थी, ठीक है, गर्म गर्म कॉफी थी, जल गया, ठीक है, तो वो जल गया, जीभ से ज्यादा ऊपर वाला भी जल जाता है, ठीक है, तो ये स्किन के फोल्ड्स हैं जो जल जाते हैं उस टाइम पे, तो ये हमारी है हार्ड पैलेट, ठीक है बच्चों। इतना हमको समझ में आया या नहीं आया जल्दी से बताएंगे चैट बॉक्स में, यस जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में, इतना हमें समझ में आया नहीं आया, क्योंकि अब हम नेक्स्ट पार्ट से शुरू करेंगे माउथ में, दैट इज आवर टीथ। चलिए स्टार्ट करें, टीथ, यार मेरे को नहीं पता, वैसे मैंने अक्सर लोगों को सुना तो नहीं, मेरे को बैंगन खाने से भी ऐसा होता है, आपके साथ होता है क्या बच्चों ऐसा, जब मैं बैंगन खाती हूँ ना, स्पेशली बैंगन का भरता, और अभी मैं बिहार गई थी, पटना गई थी, तो मैंने चोखा खाया था, तो उसमें ना बहुत ज्यादा लहसुन होता है, तो मैंने जब खाया तो मेरे को सेम वही इफेक्ट हुआ जो पाइनएप्पल खाने के बाद होता है, ऐसे मुंह कटा कटा सा हो जाता है, पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे नहीं पता आपके साथ होता है नहीं होता, मुझे पता नहीं क्यों है, बैंगन से भी होता है, एग प्लांट, यस, अच्छा आपको भी होता है, मुझे लगा मेरे को ही होता है ऐसा बस, क्योंकि बैंगन का कभी कोई बोलता नहीं है ना, इसलिए, यस। मैम स्किन पे खुजली भी होती है, नहीं ये वाला मुझे नहीं था, ठीक है। अब आते हैं टीथ पे, टीथ पे आते हैं, टीथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए, तो मैं इसके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूं, क्योंकि यहां से आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ह्यूमन डेंटिशन की बात करेंगे, हम इसमें बात करेंगे कि आखिर अपने कौन कौन से टर्म्स है जो एनसीईआरटी ने हमारे लिए लिखे हैं। पहला जो टर्म है वी आर थीकोडोंट्स, कैसे बच्चों, हम थीकोडोंट्स, कैसे हम थीकोडोंट्स, थीकोडोंट्स का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये सॉकेट है और यहां पे हमारा टीथ है इस तरीके से, तो हमारा टीथ गड़ा हुआ है सॉकेट में, तो ये हिल नहीं सकता आसानी से, ये हिल नहीं सकता, ठीक है। बट वहीं पे अगर आप डेली एसिडिक फूड खा रहे हैं, आप डेली चॉकलेट खा रहे हैं, तो यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी, तो ये ढीला हो जाएगा, देखो ये ऐसे ढीला हो गया, तो अब ये हिलने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये निकल के हाथ में आ जाएगा तुम्हारे, ठीक है, यस। तो इसलिए मैं कहती हूं कि लड़कियों को वैलेंटाइंस डे पे चॉकलेट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि सोचो अगर शादी हो गई उसके बाद दांत हिलने लग गए तो कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए हमेशा, गलत है चॉकलेट देना, आप उन्हें दीजिए गन्ने गन्ना दीजिए, उसे मजबूत होते हैं दांत, है ना, सोचो कैसे बात करेगी तुमसे, ऐसे बात करेगी ना, दांत नहीं रहेंगे, तो इसे ऐसी चीजें मत देना, ठीक है, चलो। तो थीकोडोंट क्या होता है, व्हेन द टीथ इज एम्बेडेड इन सॉकेट टाइटली, ये सेम टाइप ऑफ डेंटिशन आपको क्रोकोडाइल्स में देखने को भी मिलेगा, यानी कि मगरमच्छ, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास डायफायोडोंट, डायफायोडोंट, डायफायोडोंट नाम से पता लग रहा है डाय मीन्स टू, ठीक है, यस मैम मैं बहुत चॉकलेट खाती हूँ, थैंक्स मी लेटर, चलो आओ बेटा। तो डाय मीन्स टू, यानी कि जिंदगी में आपके पास
तो समय ऐसे होते हैं जब आपके दांत आते हैं, एक बचपन के दांत होते हैं और एक बड़का के दांत होते हैं, ठीक है। सो वी हैव टू सेट ऑफ डेंटिशन, वी हैव टू सेट ऑफ टीथ, टू सेट ऑफ टीथ इन आर लाइफ टाइम। जो बचपन के दांत होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हाँ, मिल्क टीथ, उन्हें हम मिल्क टीथ कह सकते हैं, या हम उन्हें डेसिडुअस कह सकते हैं, डेसिडुअस टाइप ऑफ टीथ कह सकते हैं, टेम्परेरी कह सकते हैं, इन नामों से हम उन्हें बोल सकते हैं। वहीं पे जो बाद में आते हैं वो परमानेंट होते हैं, यानी कि अगर मुक्का खा लिया तो फिर नए नहीं आएंगे, ये समझ के चलना, ठीक है। सो वी हैव परमानेंट टीथ, क्या हमारे पास दूसरे परमानेंट टीथ है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तीसरी चीज। एक सेकेंड बच्चों, पानी पी लो थोड़ा सा, चलो तुम सभी पानी पियो। बचपन के दांत और बचपन के दांत, हाय हाय क्या बात है हरम बेगम, सांस तो छा गई है चैट बॉक्स में। चलो अबे इसके बाद तीसरा टाइप जो है वो है हमारा हेट्रोडोंट। तीसरा क्या है, विशेषता हमारे दांतों की, हेट्रोडोंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब क्या होता है बच्चों, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि हमारे पास अलग अलग तरह के दांत हैं जो अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं। जैसे कि पहले जो दांत होते हैं कटिंग के लिए होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इनसीजर्स, इनसीजर्स, दे आर फॉर कटिंग। फिर नेक्स्ट आते हैं चीरने के लिए, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई पार्सल आ गया तो आप सबसे पहले, ठीक है, यस, तो ये होते हमारे कैनाइन्स, दीज आर फॉर टीयरिंग, किसी चीज को चीरने के लिए, किसी चीज को फाड़ने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं चबाने के दांत, यानी कि इसमें हमारे पास है प्री मोलर्स और दूसरे हमारे हैं मोलर्स, ये सारे के सारे मिलके खाने को च्यू करने के काम आते हैं, यानी कि चबाने के काम, उसे और तोड़ने के काम, ठीक है, इन सब चीजों के काम आते हैं हेट्रोडोंट्स। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, ये तो हो गए हमारे डायफाइडोंट, हेट्रोडोंट एंड थीकोडोंट, डेंटिशन। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पे, लेट्स कम टू स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अब बेटा बिल्कुल बढ़िया सा डायग्राम आपके सामने आने वाला है, जो बच्चे बना रहे हैं आराम से बनाइएगा, बहुत ही बढ़िया शानदार डायग्राम आएगा, उसके बाद दंत सूत्र करेंगे हम, ठीक है। चलो भाई स्ट्रक्चर ऑफ टीथ बनाएंगे। ओके, यू नो इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टू मेक अ परफेक्ट डायग्राम। ये देखिए, आप देख रहे कितना परफेक्शन है, यस, ये देखिए एक ही बार में कितना बढ़िया बना के देखिए, आप बना नहीं पाएंगे आप फर्स्ट टाइम में, यस। मैम आप हिंदी मीडियम को भी पढ़ाते हैं क्या, मेरे को आती है मतलब, आई नो, यस। ये देखिए ये सेल बनाते हुए, ये देख रहे हैं ना कितना अमेजिंग है, ये देखिए, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, गप्पियां मार रहे हैं बैठ के चैट बॉक्स में। ये देखिए दिख रहा है ना सब कुछ बढ़िया से, काउस फीट, सनशाइन, सन डाउन हो जाएगी अभी। आई बढ़िया, चलो ओके नोट्स पहले से। एक तो मेरा यूट्यूब पे पढ़ाने का ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं जितने एफर्ट्स लगा के हर साल सोचती हूँ कि मैं नए तरीके से पढ़ाऊंगी, अच्छे अच्छे नोट्स बनवाऊंगी, ये आ जाते हैं मैम पहले से नोट्स से, यस। और क्या,
चलो आओ भाई, है भी तो बोलना जरूरी है, कुछ चीजें अपने मन में रख लिया करो, हर चीज बोल दोगे आके नालायक कहीं के। चलो एक्सप्लेन करना शुरू करो। एवरीवन, दादी का मफलर लग रहा है मैम, इवन आई टू हैव अ दादी, आई नेवर थॉट कि इट्स ये दादी के मफलर की तरह लग रहा है। आई कैन इवन इमेजिन, मैं इमेजिन नहीं कर पा रही। यस, मैं इमेजिन नहीं कर पा रही। यस, चलो भाई स्ट्रक्चर ऑफ टीथ कराती हूँ। तो सबसे ऊपर वाला जो हार्ड सरफेस आपको दिख रहा है ये देखो, दिस इज इनामल। क्या है ये? इनामल। इनामल से क्या याद रखोगे? ई। ई से एक्टोडर्मलिन ओरिजिन। क्या ओरिजिन है इसका? एक्टोडर्मलिन ओरिजिन। अगर इसकी विशेषता पे आए तो इट इज अ हार्डेस्ट नॉन लिविंग सब्सटेंस इन अ ह्यूमन बॉडी। क्या है ये? इट इज अ हार्डेस्ट, इट्स अ हार्डेस्ट नॉन लिविंग सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। इन ह्यूमन बॉडी सबसे ज्यादा। तो आखिर ये बना किससे होता है? ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है? किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से एंड कैल्शियम फॉस्फेट से। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से, ठीक है? और इस इनामल को बनाने वाले सेल्स का नाम इनामल नहीं, इमीलोब्लास्ट है। कैसे याद रखोगे? इमीलोब्लास्ट, इनामल, ठीक है? इमीलोब्लास्ट, इनामल, ठीक है? देखो देखो देखो, अब एक शावनी का क्वेश्चन सुनो। मैम, इज इट हार्डर देन अ डायमंड? डू यू फाइंड डायमंड इन योर बॉडी? यस। चलो, सो यहां पे हमारे सेल्स हैं एमीलोब्लास्ट। ये जो एमीलोब्लास्ट सेल्स हैं, दे आर द सेल्स विच सिक्रीट इनामल, ठीक है? ये क्या कर रहे हैं? ये सिक्रीट कर रही हैं इनामल को, ठीक है? उसके बाद बॉडी का सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस की हम बात करेंगे। दैट सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंटाइन, ठीक है? ये जो डेंटाइन है, दिस इज मीजोडर्मलिन ओरिजिन। क्या है इसका ओरिजिन बच्चों? इसका ओरिजिन है मीजोडर्मल, एंड दिस इज अ सेकेंड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है बच्चों? ये भी उसी चीज से बना है जिससे इनामल बना है, ठीक है बच्चों? ये गजब बेइज्जती क्या है, पिटाई कर दूंगी मैं। चलो, और जो सेल्स डेंटाइन बनाते हैं उन सेल्स का नाम है ओडोंटोब्लास्ट। क्या नाम है उन सेल्स का? उन सेल्स का नाम है ओडोंटोब्लास्ट। डी से याद रखना है, डेंटाइन, ठीक है बच्चों? आप देखो बीचों बीच इसके है पल्प कैविटी। क्या है इसके बिल्कुल बीचों बीच? बीचों बीच प्रेजेंट है इसके पल्प कैविटी। ये जो पल्प कैविटी है, इसी के अंदर आ रही है हमारी नर्व्स। ये देखिए, ये आ गई हमारी नर्व्स, यानी कि इस पल्प कैविटी के अंदर होती है ब्लड वेसल्स। क्या क्या प्रेजेंट होती है बच्चों इस कैविटी के अंदर? वी हैव ब्लड वेसल्स, वी हैव लिम्फैटिक वेसल्स, वी हैव नर्व्स, वी हैव नर्व्स। तो जब ऊपर का इनामल घटने लगता है, अब देखना ध्यान से सुनना, जब ऊपर का इनामल घटने लगता है तो नर्व्स ऊपर की तरफ आ जाती है। तो जब भी हम ठंडा पीते हैं तो तुरंत से झंझनाहट होती है, जब हम गर्म पीते हैं तो झंझनाहट होती है, ठीक है? क्या होती है बच्चों? झंझनाहट होती है। ये झंझनाहट क्यों हो रही है? क्योंकि ऊपर का इनामल का सतह पतला हो गया है, उसके पतले हो जाने से झंझनाहट होने लगती है। या फिर क्या होता है? बैक्टीरिया का इन्वेजन। अब ध्यान से देखना इधर, हुआ क्या? मान लो बच्चों कि आपके यहाँ पे बैक्टीरिया लग गया, कीड़ा लग गया, उस कीड़े ने इस चीज को बीच में से पूरा छेद कर दिया, ठीक है? तो अब बैक्टीरिया, अब देखो ये वाला एरिया क्या हो गया?
खाली हो गया। अब खाना यहाँ पे आएगा और ये जो खाना यहाँ पे आएगा वो डाइट नर्व्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, तो आपकी झनझनाहट बढ़ती चली जाएगी। तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर करते हैं रूट केनाल थेरेपी, आरसीटी करते हैं, फिलिंग जिसे कहते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल यहाँ पे इनामल भर देते हैं, आर्टिफिशियल इनामल, तो यहाँ पे फिलिंग कर देते हैं उसकी, इस तरीके से ये फिलिंग कर दी। तो अब जो है खाना यहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। दिस व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ सेंसिटिविटी एंड झनझनाहट। क्या हमको ये समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताएंगे सब बच्चे मुझे चैट बॉक्स में। यस, फील, ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर फील नहीं की उसके बारे में नहीं समझा तो कोई फायदा नहीं है ह्यूमन फिजियो पढ़ने का। भाई आप डॉक्टर बनने वाले, आपको इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए, और मैं भी पूरी मेहनत से पढ़ा रही हूं ये। तो झनझनाहट क्यों होती है, कीड़ा लगने के बाद जब आपका इनामल डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि नीचे तक खाना पहुंच जाता है और वहां पे जो नर्व्स होती है वो तुरंत से स्टिमुलेट हो जाती है, तो उनके ओवर स्टिमुलेशन के कारण आपको ओवर सिग्नल मिलते हैं, झनझनाहट होती है, ठंडा बहुत ठंडा लगता है, गर्म बहुत गर्म लगने लगता है। ठीक है, यस, चलो ये आपको समझ में आ गया बच्चों, इज द स्ट्रक्चर क्लियर टू एवरीवन। तो ये हमारी पल्प कैविटी है और जहां से ये नर्व्स एंटर करती है उसे हम कहते हैं फोरमेन, एपिकल फोरमेन। क्या कहते हैं उस पॉइंट को, एपिकल फोरमेन। तो टीथ के तीन हिस्से हैं, जो हिस्सा हमें दिखता है दैट इज कॉल्ड एज क्राउन, जो जहां से धसा होता है दैट इज कॉल्ड एज नेक, और जो सबसे लंबा और नीचे की तरफ होता है दैट इज कॉल्ड एज रूट। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। यस, यहां पे लिख लेते हैं, सिक्रीट डेंटाइन। क्लियर हुआ बच्चों पूरा, एवरीवन बना लो सब। हाँ अंशरा, देखो इनामल इतनी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, अगर आपके स्क्रीन पे, आपके फोन पे स्क्रीन गार्ड और बैक कवर लगा है तो आपका फोन बहुत कम चांसेस है कि टूटेगा, बट जैसे ही आपका स्क्रीन गार्ड हटता है तो उसी दिन फोन गिर जाता है और स्क्रीन टूट जाती है। यू बिकम मोर ससेप्टेबल टू द डैमेज। ठीक है बच्चों, डन डन आर डन डन। अब आते हैं नेक्स्ट पे। यस, ये हो गया हमारा। अब आते हैं डेंटल फॉर्मूला, यानी दंत सूत्र। डेंटल फॉर्मूला की बात करें तो इसमें हम सबसे पहले इनसीजर्स लिखेंगे, केनाइंस, प्री मोलर्स, मोलर्स, ये हो गया हाफ अपर जॉ। ऐसे हम नीचे वाले का भी लिखेंगे, हाफ लोअर जॉ, आई सी पी एम एम इंटू में टू। दिस इज अ फॉर्मूला, दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अब आई थिंक सबको पता है, और जो सबको पता होता है फटाफट से आंसर आ जाते हैं। तो यहां पे हम 25 ईयर एडल्ट की बात कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा मानुस है जो शादी के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, यहां पे इसका है 2 1 2 3 2 1 2 3, यानी कि ये हो गए 5 6 7 8 इंटू टू। तो ऊपर वाले जबड़े में 16 दांत हैं, नीचे वाले जबड़े में भी 16 दांत है, तो टोटल 32 ही है इसके पास इसकी हंसी में, यानी कि इसके पास 32 दांत है जब ये हंस रहा है। ठीक है, वहीं पे अगर हम 18 इयर्स वाले बालक की बात करें, यानी कि आप लोगों की, आप गधेड़ों की बात करें, ठीक है, आप गधेड़ों की, तो आपका जो डेंटल फॉर्मूला है वो 2 1 2 2 है, 2 1 2 2 है, यानी कि आपके पास 28 दांत है ना कि 32। तो सवाल उठता है कि आखिर तुम लोगों के पास कौन से दांत नहीं है। यस, आपके पास कौन से दांत नहीं है, यू डोंट हैव लास्ट मोलर। लास्ट मोलर को हम विजडम टूथ भी कहते हैं, जो 18 से 25 साल की उम्र में आता है। ये कितने होते हैं टोटल, 4 होते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, चारों कोनों पे। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट बच्चे पे, 2 ईयर ओल्ड, यानी कि जो बच्चा है उसका डेंटल फॉर्मूला है 2 1 0 2,
2102, यानी उसके पास मात्र 20 दांत है जिसे वो चबाता है और जिंदगी में बवाल मचाता है बड़ों की। ठीक है बच्चों? यस बिल्कुल एक्सट्रैक्ट, हाँ टूथ एक्सट्रैक्शन से जॉ स्ट्रक्चर तो बदलता है। बदलता है। यस चलो तो यहाँ पे प्री मोलर्स आर एब्सेंट, कौन एब्सेंट है? प्री मोलर्स आर एब्सेंट। ठीक है उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। नेक्स्ट हमारा है मोनोफायोडोंट डेंटिशन। मोनोफायोडोंट मतलब ऐसे दांत जो इंसान के जीवन के कार्यकाल में सिर्फ एक बार आ रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका फॉर्मूला 0021 0021, यानी कि 12 दांत ऐसे हैं जो इंसान के जीवन में एक बार आते हैं, बस दो बार नहीं आते हैं। मैम अकल दाढ़ कौन सी होती है? विजडम टूथ। अकल दाढ़ हिंदी में कहते हैं विजडम टूथ। ठीक है बेटा? यस ठीक है। चलिए आइए आज का होमवर्क दे दूं। आज का मैं होमवर्क देके जा रही हूं, जो आपने करना है कमेंट सेक्शन में। मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बकवास नहीं चाहिए कि यू आर अ न्यू सनशाइन टीचर फॉर मी, यू आर दिस एंड दैट, आप नहीं होते तो मैं जीती नहीं। मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे चैट सेक्शन में। मुझे पता है व्हाट यू फील फॉर मी। ठीक है, हमेशा शब्दों में अपने प्यार को बयां नहीं करते हैं, बल्कि अगर आप होमवर्क करेंगे तो मैं ज्यादा खुश होंगी क्योंकि मुझे पता है होमवर्क करने से सिलेक्शन जरूर मिलेगा। यस ठीक है। हाँ तू है पासिकर, होमवर्क दे रही हूं। चले भाई हमें करना है स्ट्रक्चर से डाइजेस्टिव सिस्टम के। ठीक है होमवर्क फॉर टुडे जो कल की क्लास में सबसे पहले डिस्कस होगा और जो आप लिखेंगे। ठीक है चलिए लेयर ऑफ सेल दैट सीक्रेट इनामल 1998 पीएमटी क्वेश्चन डेंटोब्लास्ट। खैर ये तो आपको आता ही होगा, ऊपर ही लिखा हुआ है मैंने आंसर। ऑस्टियोब्लास्ट, एमीलोब्लास्ट और ओडोंटोब्लास्ट, इतने वाले हिस्से से अभी मुझे ये क्वेश्चन मिलता हुआ बच्चों। ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन है आपका जो आप सब होमवर्क में करेंगे। यहां नहीं करना, कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है और जाने से पहले सब सेशन को लाइक जरूर करेंगे बच्चों। एंड यस ये हमारा एक बहुत ही बेहतरीन बैच है जहां पे आपके सारे टॉप एजुकेटर्स है आपको पढ़ाने के लिए। आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ये मात्र 3500 में पूरा रिकॉर्डेड बैच आपको मिल जाएगा जहां पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें आपको नोट्स भी मिल रहे हैं और अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है नोट्स आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप अनअकैडमी के नोट्स बाय करें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोड यूज कर सकते हैं G2 फॉर एडिशनल 5% ऑफ। ठीक है एंड ये रिकॉर्डेड लेक्चर है और ये हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज विच यू कैन ज्वाइन फॉर कॉम्पिटिशन। ठीक है यस डन बच्चो। हाँ बेटा एनवायरमेंटल इश्यूज में करा दूंगी। आज मेरी बहुत क्लासेस थी बच्चों कि मैं आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई स्केड्यूल कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग को भी टाइम दे सकूं, आपकी जो लेक्चर की लेंथ है वो 1 घंटा 20 मिनट कर सकूं। यस ठीक है। हाँ अभी आज जैसे 1 घंटे की क्लास हुई ना, अभी धीरे धीरे 1 घंटा 20 मिनट की क्लास करने का मेरा मन है आप लोगों की। तो इवन आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन माई स्केड्यूल, बट आप लोग को बेटा डेली आना है। यू आर माई मोटिवेशन, आई एम योर मोटिवेशन। ठीक है यस एनसीईआरटी फिल इन द ब्लैंक्स टेलीग्राम पे दे दूंगी। ठीक है यस तो अब सेशन के बाद मैंने क्या कहा था, जाते ही एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी आपका एक है होमवर्क एनसीईआरटी। एंड बिफोर यू गो कल के लेक्चर की अटेंडेंस लगा के जाओ। कैन यू सी दैट लेक्चर लिंक? आपको कमेंट सेक्शन में वो लेक्चर लिंक दिख रहा है बच्चों कल का?
प्लीज प्लीज मार्क योर अटेंडेंस एवरीवन सो दैट यू डू नॉट मिस दिस सेशन. कई बार आपको नोटिफिकेशन नहीं आते, कई बार आप भूल जाते कि मेरी क्लास है, ठीक है. तो अगर आप सेशन को लाइक कर देते तो 100% आपको नोटिफिकेशन आएगा फ्रॉम यूट्यूब, सो यू विल नॉट मिस दिस क्लास, ठीक है. तो फटाफट से आप वहां जाके क्लिक कर दो. बेटा हमारे अनअकैडमी क्लासेस एक हफ्ता नहीं थी ना, वहां पे फंस गए हम. यस बच्चों, लगाया सबने? एवरीवन अटेंडेंस लगी या नहीं लगी? लेट मी चेक. नहीं लगी, मजा नहीं आया, बिल्कुल भी मजा नहीं आया. मोर अटेंडेंस आई एम वेटिंग फॉर. यस, अभी यहां पे देखो कितने सारे बच्चे हैं, अपनी अटेंडेंस पक्की कर लो. यस, फटाफट से. और आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू लाइक द सेशन बिफोर यू गो फ्रॉम दिस सेशन. सब फटाफट से लाइक करके जाएंगे अगले सेशन को. गाइस, मेक श्योर यू मार्क योर अटेंडेंस एवरीवन. डन. डेली टारगेट्स पे मैंने कहा था ना, मेरे को काम करने के लिए टाइम चाहिए. 3 महीने के टारगेट्स बनाने के लिए टीम को मेहनत करनी पड़ती है, टाइम चाहिए होता है. तो टाइम तो देना पड़ेगा ना आपको मुझे, है ना. यस एवरीवन, एवरीवन हैज मार्क द अटेंडेंस. अभी भी मुझे नहीं दिख रही है इतनी सारी अटेंडेंस ना, अभी भी नहीं दिख रही है. मजा नहीं आया. एटलीस्ट 500 अटेंडेंस आई वॉन्ट बिफोर आई गो. यस आई जस्ट वॉन्ट दिस 500 अटेंडेंस बिफोर आई गो, ठीक है. वहां पे ऊपर जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, लाइक का बटन दबाना है एंड मेक श्योर यू मार्क योर अटेंडेंस फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड यू डू नॉट मिस इट, ठीक है. यस प्रेजेंट मैम, गुड. दैट्स द स्पिरिट गाइस, दैट्स द स्पिरिट. जस्ट वॉन्टेड टू सी द स्पिरिट. यस चलो, आई एम गोइंग. अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है. बाय बाय, टेक केयर.